नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम ज्वाइनिंग को लेकर के, साथ में प्रोविजनल प्लस सुविधा हेल्ड को लेकर के बात करेंगे। आज रविवार था और कल मंडे है। कल से जो वीक आपका स्टार्ट होने वाला है, इसी वीक में आप सभी के लिए जो प्रोसेस है शुरू होने जा रहा है। अब चाहे वो 1 सितंबर से हो, 2 सितंबर से हो, 3 सितंबर से हो, बस इसी के आसपास। और आपकी जब प्रक्रिया शुरू होगी, उसके पहले आयोग से संपूर्ण जितना भी रिजल्ट है आपका 8831 का, उसको क्लियर करके भेजा जाएगा। क्लियर का मतलब है कि फिर डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग कराने में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे विद हेल्ड का है, वैसे तो आप देखेंगे जो इसके पहले एक हमने आबकारी सिपाही भर्ती का दिखाया था नोटिस, जो जिनके प्रोविजनल लगा हुआ था, तो उनको आयोग ने नोटिस भेजा था, उनके ऑफिशियल जो उनका पता था जो उन्होंने दे रखा था रजिस्टर डाक से। तो आयोग का कुछ अपना तरीका होता है। और यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट, चूँकि जो जानकारी आप सभी को यही दी गई थी कि डिपार्टमेंट आपके परिवार कल्याण से ही सब कुछ होना है, और आपकी भर्ती भी महानिदेशक परिवार कल्याण के अंतर्गत वहीं से भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को मिला था, जितने पदों को जिस कैटेगरी के उसी हिसाब से ये भर्ती परीक्षा करवाई गई थी। और इसके बाद फिर वापस से जो ज्वाइनिंग पोस्टिंग वगैरह, जो जिला अलाटमेंट, सब कुछ आपका आपके विभाग से होना है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जब आपकी जो ड्यूटी लगेगी उसमें, जो पीएससी सीएससी जो उसमें सब सेंटर होते हैं, वहाँ पर रहने आदि की भी व्यवस्था होती है। और मेरी कुछ बहनों से बात हो रही थी जो संविदा कर्मी हैं, वो लोग बता भी रहे थे कि रहने के लिए जो काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है, कहीं कहीं पर तो एयर कंडीशनर भी लगा दिया गया है, और वहाँ पर 2-3 कमरे भी, मतलब पूरा स्पेस होता रहने के लिए जहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं, तो काम होता है लेकिन सुविधाएं भी हैं। और सरकारी नौकरी है तो उसी तरह से आप सम्मान भी मिलता है, एक सरकारी नौकरी का एक अलग ही बात होती है, प्राइवेट में जाए कितना भी पैसा मिले, तो एक सबका एक सबकी सोच होती है कि एक सरकारी एक स्थायी नियुक्ति होती है। और इसके अलावा आप एक 10% का आपका NPS करता है, तो वो आपके भी पैसे जो है आपके एकत्रित होते रहते हैं आपके भविष्य के लिए। और इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, मुख्य सेविका और ANM दोनों में कंपेयर किया था, तो उसमें आप लोग पूछ रहे थे कौन सी नौकरी अच्छी है। तो वैसे तो देखा जाए तो ग्रोथ वगैरह जल्दी होते हैं इसमें ANM में, और स्टार्टिंग सैलरी वैसे मुख्य सेविका में ज़्यादा रहेंगी। और आप ये देखिए ना, धीरे धीरे सरकार जो है हर स्तर से कोशिश कर रही है कि करप्शन कहीं पर बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर मुख्य सेविका वाले में या फिर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में लोग जाना क्यों चाहते हैं, प्रेफर करते हैं, या फिर कोई भी इसी तरह की अन्य ड्यूटी होती है, तो बस आप ये समझ लीजिए कि जितना वेतन वहाँ पर मिलना है और जितना वेतन आपको मिलना है, वो वेतन वहाँ पे स्टार्टिंग वाला ज़्यादा रहेगा, आपके यहाँ थोड़ा कम रहेगा, बट आपके यहाँ जो है ग्रोथ जल्दी होती है। और सब अपने इंटरेस्ट की बात होती है, किसी को मुख्य सेविका अच्छा लगेगा, किसी को ये अच्छा लगेगा, वो तो भविष्य की बात है, जब भर्ती होगी तो होगी, लेकिन अभी आप सभी लोग अच्छे से ज्वाइन करिए, यहाँ पर एक ड्यूटी अपनी शुरुआत कीजिए, अपने एक जो है करियर की शुरुआत कीजिए सरकारी नौकरी के रूप में। ज्वाइनिंग के लिए इसमें कोई भी आपको अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के परेशान नहीं होना है। और जो आपके जिला अलाटमेंट का कार्य है उसको लेकर के थोड़ा सा अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए कि आप सभी को आपका गृह जिला या फिर आपके कोई मनपसंद जिला जो आप चाहते होंगे वही आपको मिल सकता है। क्योंकि दूर का जिला आवंटन का मतलब क्या है, अगर नौकरी मिले और घर के हम आसपास ना हों, अपने गृह जनपद में ना हों, कहीं दूर मिल जाए, तो फिर उसमें तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और जितने भी संविदा कर्मी ANM बहने थे, तो उनका डाटा अलग से जो है परिवार कल्याण के द्वारा अलग से उसको जुटाया गया था, तो उसमें देखिए देखा जाएगा उसमें किस प्रकार से क्या है। और हमें लग रहा है कि कुछ उसको कैटेगराइज वो लोग करेंगे, कैटेगराइज का मतलब है कि लोकेशन के हिसाब से, जो कैडर के हिसाब से उसमें करेंगे और प्रेफर करेंगे, उसमें हो सकता है कुछ उनके होंगे जो भी, बहुत सब कुछ चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं, लेकिन इतना तो मतलब है आप सभी के लिए कि आप सभी को आपका मनपसंद जिला मिल जाना है, चाहे आप अभी किसी भी ज़िले में कार्यरत हो या फिर आप फ्रेशर हो। ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, प्रोविजनल और विद हेल्ड का मामला क्लियर करने के बाद ही शुरू होगा, थोड़ा सा समय इसीलिए लग रहा है या लगेगा आगे। और हमने आपको उस दिन भी बताया था कि 15 अक्टूबर तक आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसके पहले पहले तक कंप्लीट हो जानी है, हो सकता है 10 अक्टूबर तक हो जाए, हो सकता है 5 अक्टूबर तक हो जाए। तो एक बार जो रिजल्ट है वो आयोग से भेज दिया जाए, फिर उसके बाद आयोग का कोई भी रोल आपकी भर्ती में नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद इन फ्यूचर अगर वैकेंट सीटें होती हैं उन पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अगर होता है तो, हालांकि अभी तो है नहीं, अगर होता है तो फिर वो आयोग फिर बाद में जितने सीटों का डाटा उन्हें प्राप्त होगा उसी के हिसाब से वेटिंग लिस्ट, तो वो सब चीज़ें बाद की बात, लेकिन आप सभी के लिए उससे मतलब नहीं है। तो
प्रोविजनल और का जो विधेयक का जो भी जितने भी मैटर है रिजल्ट में जो भी मामले हैं सब क्लियर करने के बाद आयोग जितना देरी करेंगे भेजने में रिजल्ट को आपके डिपार्टमेंट को विभाग को उतना ही देरी ज्वाइनिंग में होने वाला है। इन्होंने बोला है कि हम सितंबर के फर्स्ट वीक तक भेज देंगे और गवर्नमेंट का भी इसमें देखेंगे एक सख्त निर्देश है। इसके पहले भी देखेंगे रिजल्ट को लेकर के भी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश था कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाए। 100 दिन की कार्य योजना में भी इस भर्ती को शामिल किया गया था लेकिन फिर भी आप देखेंगे महीना भर का समय लग गया था एक्स्ट्रा। तो थोड़ा सा आप सभी को धैर्य बनाए रखना होगा। सितंबर फर्स्ट वीक आयोग ने बोला है तो हो सकता है सेकेंड वीक भी लगा दें लोग, तो हमें कोशिश भी करनी है बीच बीच में आयोग में जा करके अधिकारियों से सचिव साहब से अध्यक्ष महोदय से बात भी करनी है कि सर ज्वाइनिंग के लिए जल्दी से जो है जो भी आगे की प्रक्रिया है आप अपने स्तर से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग विभाग में बात करेंगे। प्रोविजनल में जिनके भी कोई आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बहन का फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर जस्ट पहले ये वीडियो बनाने से पहले, तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट उन्होंने बनवाया था उनके नाम में थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक थी, तो वहाँ पर उन्होंने स्टाफ ने बोला था कि इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोविजनल हो सकता है उनका उसी की वजह से लगा हो क्योंकि जो मिस्टेक हुई थी वो इंटर में है 12वीं में और उसी की वजह से उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वहाँ पर भी सेम हुई नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ज़्यादातर जहाँ तक हमें लग रहा है 70-80-90% तक हो सकता है कि नाम में ही गलती की वजह से प्रोविजनल लगा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि EWS में कुछ गलतियाँ हों उसमें, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर वैलिडिटी ईयर एक समान हो गया हो, ठीक है, कुछ इसी प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि वैधता वर्ष और वित्तीय वर्ष में दो फाइनेंशियल ईयर का गैप हो गया हो या दोनों सेम हो। इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ नाम हो गए कि छोटी मोटी गलती हो सकती है। तो आयोग की तो नोटिस का पता है लेकिन आपके डिपार्टमेंट से प्रोविजनल को लेकर के, और इसमें एक सवाल और भी है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके तो नोटिस आएगी बट उसमें कैसे नोटिस आएगी, सभी को नोटिस भेजेंगे या फिर बुलाएंगे लखनऊ बुला करके सबको बताएंगे, तो यही सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी वैसे वैसे आप सभी के बीच में मैं जो भी जानकारी होगी शेयर करता रहूँगा। ज्वाइनिंग लेटर का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला तो आपकी ज्वाइनिंग तो वैसे भी हो जाएगी, उसी दिन से आपके जो वेतन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ज्वाइनिंग होते ही आपके वेतन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जो पोस्टिंग है वो भी हो जाती है, तैनाती हो जाती है। ट्रेनिंग का भी हमने आपको बता दिया था कि जो फ्रेशर है विशेष करके उनके लिए कि सीनियर के साथ में कुछ दिन ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग के तौर पर रहना होता है, लेकिन आपकी जो सैलरी होगी वो पूरी स्टार्टिंग से पूरी जुड़ करके बनेगी, ऐसा नहीं कि केवल बेसिक आपको 21,700 मिलेगा, पूरा मिलेगा आपको जितना मिले 31-33 तक, तो सैलरी आपकी वेतन आपके पूरे जुड़ करके मिलेंगे, रहने आदि की व्यवस्था भी आपकी उसमें हो जाएगी। बाकी इसके पहले वाला जो वीडियो था मुख्य सेविका और ARM वाला जो कंपेयर किया था हमने वहाँ पर पूरा बताया था कि उसमें आपके अंतर्गत आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और आगे फिर आपकी जो ड्यूटी है उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हमने वहाँ पर बताने का प्रयास किया आपको।